डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सरफेस टेंशन में मेनिस्कस का शेप और उस शेप को कौन कौन डिसाइड करते हैं इसके बारे में समझते हैं। लिक्विड के किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो कि मेनिस्कस पर है, यानी कि उसके फ्री सरफेस पर है, तीन फोर्स काम करते हैं। एक तो उसका अपना वेट, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। सेकंड, कोहेसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स होता है, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, इट ऑलवेज मेक एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर। एंड थर्ड, द एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स अप्लाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंटेनर। ग्लास का कंटेनर है तो उसके मॉलिक्यूल, उस लिक्विड मॉलिक्यूल पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो तीन फोर्सेस काम करते हैं। दिस एडहेसिव फोर्स ऑलवेज मेक राइट एंगल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो तीनों की डायरेक्शन मालूम है तो हम इनका रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो रिजल्टेंट होता है तीनों फोर्सेस का, ये हमेशा मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होता है, तभी इक्विलिब्रियम आती है। मेनिस्कस मीन्स द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो देखिए, जो मेनिस्कस है वो तीन तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है कॉनकेव मेनिस्कस, ये कॉनकेव मेनिस्कस कैसा होगा, तो मान लीजिए कि हमने एक ट्यूब में कोई लिक्विड भरी और उस लिक्विड का मेनिस्कस इस तरह से हो, मेनिस्कस इस तरह से हो, देन इट इज कॉल्ड द कॉनकेव मेनिस्कस। हमें यहां पर सबसे ऊपर लिक्विड का एक मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूं, उस लिक्विड मॉलिक्यूल का वेट इट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये तुमको सबको मालूम है। इस मेनिस्कस पर इधर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने जो कोहेसिव फोर्स अप्लाई किया, कोहेसिव फोर्स इस तरफ होगा एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर और ट्यूब। और इसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो एडहेसिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये ट्यूब के मॉलिक्यूल्स, ये राइट एंगल्स पे होगा। और इधर किधर होगा, तो आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द ट्यूब। क्यों होगा, क्योंकि ये तो सब ट्यूब के जो मॉलिक्यूल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस तरफ फोर्स होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे थे, इधर फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है डाउनवर्ड। सो वी हैव दिस थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल। और जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, मेनिस्कस आपका जब इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट इस मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होगा, मेनिस्कस के परपेंडिकुलर। तो देखिए, चलिए निकालते हैं इनका रिजल्टेंट। इस एफसी के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे, द एफसी कॉस 45 एंड एफसी साइन 45। और हमको मालूम है कि साइन 45 मीन्स 1/√2, इधर आ गया एफ सी बाई रूट टू, और वैसे ये भी हो गया कॉस 45 मीन्स 1/√2, तो ये एफ सी बाई रूट टू। अब इस एफ सी को छोड़ दो, इस एफ सी को छोड़ दें, तो क्या हो गया, चार फोर्सेस लग गए एफ ए
एम जी एफ सी बाई रूट टू एफ सी बाई रूट टू। और जैसे मैंने कहा ना कि सबका रिजल्टेंट मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होगा, जैसे हमारा मेनिस्कस है ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर होना, तो कैसे परपेंडिकुलर होगा, जिस पॉइंट पर आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर इधर आएगा। यहाँ आदि देख रहे हैं तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरफ जाएगा। तो वैसे ही सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में है और है ही, तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया सबका रिजल्टेंट, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर मिलेगा। कितना होगा हमें उस पर नहीं जाना है, क्योंकि हमको एफ ए भी नहीं मालूम, एफ सी बाई रूट टू भी नहीं मालूम। हमें ये देखना है कि इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, किधर मिलेगा, सॉरी ये एम जी और एफ सी बाई रूट टू, इन दो का रिजल्टेंट किधर होगा, तो नेचुरली डाउनवर्ड। तो इनका रिजल्टेंट मान लीजिए आ गया एफ वन, एफ वन किधर होगा, डाउनवर्ड। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके सम के बराबर होगा, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। बट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस। और किधर होगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ होगा। एफ ए बड़ा है तो रिजल्टेंट एफ ए की तरफ जाएगा, एफ सी बाई रूट टू बड़ा है तो रिजल्टेंट एफ सी बाई रूट टू की तरफ आएगा। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए, हमने कहा कि सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इस तरफ है। अब रिजल्टेंट के एक तरफ एक फोर्स होगा एफ वन, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के दूसरी तरफ दूसरा रिजल्टेंट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट एफ टू, तो एफ टू इस तरफ होना चाहिए, एफ टू इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में मिलेगा। और ये कब पॉसिबल है कि एफ टू यानी कि इन दो का रिजल्टेंट हमको इस तरफ मिले, व्हेन इट विल बी पॉसिबल, तो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू। एफ ए बड़ा होना चाहिए एफ सी बाई रूट टू से। तो एफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू, शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू। तो व्हेन द लिक्विड एंड सॉलिड सेटिस्फाई दिस कंडीशन कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन वन बाई रूट टू टाइम्स ऑफ द कोहेसिव फोर्स, देन मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब विल बी ऑफ कॉनकेव शेप, ये हमेशा कॉनकेव शेप में होगा। तो कॉनकेव शेप मेनिस्कस के लिए ये कंडीशन हमको मिल गई, एफ ए शुड बी ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू, ठीक है, पूरी बात समझ में आई। चलिए दूसरा मेनिस्कस हम लेते हैं, यह है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस ये कैसा होता है, तो जैसे कॉनकेव है इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो किसी ट्यूब में हमने कोई लिक्विड भरा, और उसका मेनिस्कस इस शेप में आया, देन इट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये आपका मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स शेप में हुआ। मैं फिर से यहाँ के लिक्विड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के कॉन्टेक्ट का सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल,
इस मॉलिक्यूल का वेट ये तो भाई नीचे लगेगा दयाम जी। इसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो एडहेसिव फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ होगा एट राइट एंगल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, और इसी मॉलिक्यूल पर जो कोहेसिव फोर्स अप्लाई होगा वो इस तरफ होगा एट 45 डिग्री फ्रॉम द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये तीन फोर्सेस हो गए और इन तीनों का रिजल्टेंट मेनिस्कस के परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है ना, मेनिस्कस के परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या करें, मेनिस्कस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो हमारा रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए, ठीक बस गड़बड़ है। रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर होगा, सबके बाहर तो नहीं भागेगा। ये टेंजेंट और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ मिलना चाहिए सबका, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो चलिए इस एफ सी के फिर दो कंपोनेंट हमको मिल गया है, द एफ सी अपॉन रूट टू एंड द एफ सी अपॉन रूट टू। अब इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तो इधर ही मिलेगा, सम ऑफ दिस टू फोर्सेस, सपोज इट इज एफ वन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है ये भी डाउनवर्ड है, दोनों का रिजल्टेंट भी डाउनवर्ड होगा और दोनों के सम के बराबर मिलेगा। तो रिजल्टेंट के एक तरफ एक फोर्स हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हम एफ टू ले रहे हैं वो निश्चित रूप से रिजल्टेंट की दूसरी साइड में जाएगा। ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट की एक साइड में एक फोर्स हुआ, रिजल्टेंट की दूसरी साइड में दूसरा फोर्स आना चाहिए, तो दूसरा जो फोर्स है वो इस तरफ आना चाहिए। मीन्स रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस मस्ट एक्ट टूवर्ड्स दिस साइड, तभी इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में हमको मिलेगा इस तरह से, ओके। और इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि एफ सी बाई रूट टू इज ग्रेटर देन एफ ए और एफ ए इज लेस देन एफ सी बाई रूट टू। मीन्स एडहेसिव फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इज लेस देन 1/√2 टाइम्स ऑफ द कोहेसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग था कंपेयर टू कोहेसिव, यहाँ कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो कंडीशन क्या निकली, एफ ए मस्ट बी लेस देन एफ सी बाई रूट टू। तो देखो मेनिस्कस का शेप ये दो ही डिसाइड कर रहे हैं, द एडहेसिव एंड द कोहेसिव। यदि एडहेसिव फोर्स बड़ा है तो मेनिस्कस कॉनकेव शेप का होगा, और यदि एडहेसिव फोर्स छोटा है तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप में होगा। अब यदि ऐसे हैं तो इसके कुछ और एप्लीकेशन हमको आगे चल के मिलेंगे। हम कह रहे हैं कि एडहेसिव फोर्स बड़ा है, यानी कि सॉलिड ने ज़्यादा फोर्स से खींच रखा है अपनी तरफ, कोहेसिव फोर्स छोटा है माने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने जो फोर्स लगाया है अट्रैक्शन का वो थोड़ा छोटा है कम है। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल किधर जाएगा, जिधर फोर्स बढ़ा है उस तरफ जाएगा, यानी लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड की तरफ जाएगा, यानी सॉलिड से जाकर के चिपक जाएगा, सॉलिड से जाकर के चिपक जाएगा। तो हम कहते हैं कि इस केस में लिक्विड जो है वो सॉलिड को गीला कर देगा, द लिक्विड विल वेट
the solid if this condition is satisfied. और इसका मतलब है कि जब भी मेनिस्कस कॉनकेव शेप का बनेगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड से चिपक जाएगा, यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड से गीला होगा. लेकिन यदि ये कंडीशन है तो क्या होगा? एडहेसिव फोर्स इज लेस देन द कोहेसिव फोर्स, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उस लिक्विड मॉलिक्यूल को बड़े फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपेरेटिवली स्मॉल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं. तो मॉलिक्यूल किधर जाएगा? जिधर बड़ा फोर्स लगा हुआ है, यानी कि लिक्विड की तरफ. और इसलिए ये जो मॉलिक्यूल होगा वो सॉलिड से चिपकेगा नहीं, उस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, और जैसे मौका मिलेगा वो छोड़ के भाग जाएगा. और ये ऐसी है तो ये जो लिक्विड है इससे ये जो सॉलिड है आपका जो ट्यूब है वो गीला नहीं होगा. द लिक्विड डू नॉट वेट द सॉलिड इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, जैसे कि पानी कांच के ट्यूब में यदि हम पानी भर दें तो कांच के ट्यूब के वॉल्स में पानी के ड्रॉप्स जो है वो चिपक जाते हैं. लेकिन यदि हम कांच के ट्यूब में मरकरी भरें तो मरकरी जो है वो ट्यूब के वॉल से चिपकते नहीं है ना. अब उसके बाद उसको खाली करो, खाली करो तो पूरा मरकरी खाली हो जाएगा, ट्यूब में एक भी मरकरी का ड्रॉप नहीं बचेगा, सब बाहर निकल जाएगा, गीला ही नहीं होगा. और इसको यदि तुम खाली करते हो तो ट्यूब के वाल में मॉलिक्यूल्स जो है वो चिपके हुए बचे जाएंगे. ठीक, तो दो मेनिस्कस हुए, द कॉनकेव एंड द कॉन्वेक्स. एक तीसरा मेनिस्कस और पॉसिबल है एंड दैट इज द प्लेन. तो प्लेन मेनिस्कस कब मिलेगा ये जरा देखें. तो एक ट्यूब और इसके भीतर जो हमने लिक्विड भरा उसका मेनिस्कस इस तरह से मिला. ठीक है, प्लेन एकदम. तो फिर से लिक्विड और सॉलिड के सबसे टॉप मोस्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट पर जो लिक्विड है मॉलिक्यूल है हम उसकी बात कर रहे हैं. जो सबसे ऊपर में जो मॉलिक्यूल है हम उसकी बात करें, लिक्विड के मॉलिक्यूल. तो उस लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर यही तीन फोर्सेस काम करेंगे, उसका अपना वेट, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स. ये 45 डिग्री पर, इसलिए इसके दो कंपोनेंट मिल गए, एफ सी बाई रूट टू एंड एफ सी बाई रूट टू. तो यहाँ पर चार फोर्सेस हो गए, एफ ए, एफ सी बाई रूट टू, एम जी, एफ सी बाई रूट टू. इन चारों का रिजल्टेंट मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होगा. तो मेनिस्कस के परपेंडिकुलर यानी इस तरफ आएगा द रिजल्टेंट. और ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन इट विल बी पॉसिबल? तो बहुत सिंपल है कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों की तरफ आया, इन दोनों का रिजल्टेंट हम कहते थे एफ वन जो डाउनवर्ड है और ये भी डाउनवर्ड है रिजल्टेंट भी. इसका मतलब कि इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई नेट फोर्स नहीं है. फोर्सेस तो हैं लेकिन नेट फोर्स मस्ट बी जीरो. और इसका मतलब हुआ कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बाई रूट टू. तो एफ ए और एफ सी बाई रूट टू में तीन ही तो पॉसिबल रिलेशन है, या तो एफ ए बड़ा होगा एफ सी बाई रूट टू से, या तो छोटा होगा या बराबर होगा. और ये तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें तीन तरह के मेनिस्कस मिल जाते हैं, द कॉनकेव, द कॉन्वेक्स एंड द प्लेन. तो बच्चों ये है मेनिस्कस के शेप और उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर. तो समझ में आ गया होगा कि इसको डिसाइड करने वाले दो फैक्टर हैं, द एडहेसिव फोर्स एंड द कोहेसिव फोर्स. और उनके बीच में जो कंडीशंस हमने देखे इसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेनिस्कस का शेप आपको मिलेगा.
अब देखिए कि जब मेनिस्कस कॉनकेव शेप का होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर की तरफ मिलेगा, जब मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप का होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे की तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ। और इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है, एक प्लेन जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इनफाइनाइट मानते हैं, ये उस स्फीयर का हिस्सा है जिसका रेडियस इनफाइनाइट है। ओके तो जहाँ पर भी सरफेस में कर्वनेस आती है एक्सिस प्रेशर काम करता है, एक्सिस प्रेशर हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो कॉनकेव शेप मेनिस्कस में एक्सिस प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, कॉन्वेक्स शेप मेनिस्कस में एक्सिस प्रेशर नीचे की तरफ लगेगा। और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कॉन्वेक्स शेप में के मेनिस्कस में लिक्विड की टेंडेंसी होगी कोई नीचे की तरफ फ्लो हो क्योंकि प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। कॉनकेव शेप मेनिस्कस में लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि ऊपर की तरफ फ्लो हो। इसी फ्लो को हम कहते हैं कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल। यदि वो नीचे की तरफ जा रहा है जैसे कि इस कॉन्वेक्स शेप मेनिस्कस में वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, आपने इसको मौका दिया तो नीचे जाएगा, देन इट इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल। जबकि कॉनकेव शेप मेनिस्कस में प्रेशर ऊपर की तरफ लगा हुआ था तो लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी वो ऊपर जाएगा, देन इट इज कॉल्ड कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। लेकिन यदि मेनिस्कस फ्लैट है, प्लेन है, तो यहाँ पर कोई एक्सेस प्रेशर नहीं है एंड दैट्स व्हाई द लिक्विड नाइदर सो द कैपिलरी फॉल आर द कैपिलरी राइज, यह दोनों में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल जो मिल रहा है ड्यू टू कर्वनेस ऑफ द मेनिस्कस इट इज कॉल्ड द कैपिलरिटी, इसी को हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी दो टाइप के हो गए, कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज। ओके, इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि व्हाई देयर इज ए कैपिलरी राइज, व्हाई देयर इज ए कैपिलरी फॉल, इट इज ड्यू टू एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक, तो बच्चों ये था मेनिस्कस का शेप और उसका आगे हम क्या क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं और ये कब कब हमको मिलते हैं, ये सारी बातें आपको मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अब यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल की वीडियोस, इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सके किसी भी न्यू अपलोड का और आप उसका एडवांटेज उठा सकें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।